हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित। मेरा चैनल चिपस्टिक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीलिंग फैन के बारे में बताएंगे, यानी सीलिंग फैन में कितने सारे दिक्कतें आते हैं, उसको किस तरीके से रिपेयर किया जाता है, क्या क्या चीज, कौन सी चीज खराब होने पे क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। तो फ्रेंड्स, सारे कुछ मिल जाएंगे इस वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ नहीं बनाएंगे, बल्कि यहाँ पर हम कुछ बतला देंगे, दिखा देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं, यानी बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, तो नंबर वन जो सबसे बढ़िया प्रॉब्लम आते हैं, वो होते हैं कि जब फैन घूमते घूमते रुक जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी कारण ये जो होता है, तो कॉइल के जब हीट हो जाता है, उसी कारण होता है कैपेसिटर खराब होने से ही ये जो प्रॉब्लम है, ये बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उस दो नंबर जो होते हैं, फैन के जो स्पीड है, ये भी खराब हो जाता है, यानी स्लो हो जाता है बहुत ज्यादा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए भी आपको जो कैपेसिटर्स है, उसको एक बार चेंज कर लेना। तो फ्रेंड्स, 100% श्योर है कि इतने में आपका जो प्रॉब्लम है, ये हल निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो तीसरी वाला जो प्रॉब्लम होता है कि आपके फैन घूमते घूमते बहुत सारा आवाज़ें आते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी शायद आप सो भी नहीं पाते होंगे। तो फ्रेंड्स, वो जो प्रॉब्लम आते हैं, तो दो तरीके से आ सकता है। तो फ्रेंड्स, पहला जो है, तो कि आपका जो बियरिंग है, तो ज़्यादातर वक्त बियरिंग जो होते हैं, वो खराब होते हैं। तो एक बार मैं बता देता हूँ, यानी दिखा देता हूँ कि बियरिंग कैसा होता है, कैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स, मेरा एक वीडियो पहले से ही दिया हुआ है, अपलोड किया हुआ है इस चैनल पे ही। तो फ्रेंड्स, हाउ टू चेंज ए बियरिंग विदाउट पुलर। तो फ्रेंड्स, आप वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूँ, तो झुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ उठाकर लाएंगे आपके सामने, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा रुक जाइए। तो फ्रेंड्स, आ गए आपके सामने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे गंदे लगे हुए हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर में एक बियरिंग होता है। तो फ्रेंड्स, एक सीलिंग फैन में दो बियरिंग होता है, एक का नंबर होता है 6701 और 6201 होता है, और एक होता है 6602। तो फ्रेंड्स, ज्यादातर फैन में यही नंबर यूज होता है, लेकिन कभी कभी 6603 भी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से पैकेट के अंदर आपको बियरिंग मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से फिटिंग्स में ये आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं बियरिंग कैसे चेंज करना है, ये आपको वीडियो में दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो होता है कि फैन को स्विच देने पर फैन रनिंग नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये दो कारण से हो जाता है, एक तो आपका जो कॉइल है ये खराब होने से, और दूसरा होता है कि लूज कनेक्शन या फिर के वायर में दिक्कतें आ जाती है इस वजह से। तो फ्रेंड्स, अगर तो सबसे पहले तो आपको चेंज कोई भी इलेक्ट्रिशियन बुलाकर आपको चेक करना है कि यहाँ पर फैन में दिक्कत है या फिर जो आपका लाइन है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इलेक्ट्रिशियन है तो कोई बात नहीं है, तो एक बार जो मल्टीमीटर है उसको एसी रेंज में रखकर आपको वोल्टेज चेक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर वोल्टेज जो यहाँ पर 220 से 240 के अंदर में दे देता है, तो आपका जो यहाँ पर लाइन है ये बिल्कुल ठीक है। तो आपका जो दिक्कत है वो कॉइल में होता है। तो फ्रेंड्स, कॉइल के बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा नीचे रख देते हैं, हाथ में दर्द हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आ गए। तो फ्रेंड्स, जो कॉइल में जो होते हैं, दो पोर होता है, तो वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हाथ में एक कॉइल है, यहाँ पर देख सकते हैं अंदर में एक कोर है और बाहर में एक कोर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं बाहर वाला जो है ये रनिंग बोला जाता है, और जो अंदर में जो वाइंडिंग होता है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होता है, इसके साथ सिर्फ कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है, सिर्फ स्टार्ट होने में ये जो है हेल्प करता है, और जो रनिंग वाला है वो घुमाते रहता है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं अगर आपका जो फैन है यहाँ पर देख सकते हैं दो कोर में एक कोर अगर खराब हो जाता है, तो फैन में से एक हमिंग साउंड आएगा, लेकिन फैन चलेगा भी नहीं और घूमेगा भी नहीं। तो फ्रेंड्स, एक कॉइल खराब होने से फैन चलेगा भी नहीं, हमिंग प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर दोनों ही खराब हो जाता है, तो फैन एकदम से रुक जाएगा। तो और अगर रनिंग में सिर्फ रनिंग का जो वायर है ये कट हो जाता है, तो फैन थोड़ा सा चलने का कोशिश करेगा, लेकिन काम नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार तो कॉइल को आपको चेक करके देख लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं चार वायर दिया हुआ है, दो रेड और दो ब्लैक। तो ज्यादातर मैं अगर कॉइल को वाइंडिंग करता हूँ, तो ये ही दो वायर को यूज करता हूँ। तो जो हमारा रेड वाला है ये हमारा रनिंग के लिए होता है, और जो ब्लैक वाला है ये हमारा स्टार्टिंग के लिए होता है। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं, इस दोनों रेड पे अगर एक बार आपको कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेना है, और ब्लैक को भी कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेना है, तो आपको जो है आपको पता चल जाएगी कौन सी वाइंडिंग में कैसे दिक्कत होता है। तो ये तो हमारा था कॉइल के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी जो होता है कि फैन जब स्टार्ट होता है, यानी जब स्टार्ट होता है तब भी एक आवाज आते हैं, और बाद में ये ऐसा थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि फैन अभी खुलकर नीचे आपके ऊपर में आ जाएगा। तो ऐसा जो होता है, ऊपर में एक रबर दिया होता है। तो फ्रेंड्स, अगर छत पे या फिर आपका जो घर में है, तो वहां पर एंगल में जो लटका हुआ होता है, तो वहां पर एक रबर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर वो रबर धीरे धीरे अगर खराब हो जाएगा, उसके बाद ये निकल कर गिर जाता है, तो फ्रेंड्स उसी कारण ये जो स्टार्ट करने से ही दिक्कतें आ जाती है। तो फ्रेंड्स, यही सारी थे हमारे जो फैन की दिक्कतें।
तो फ्रेंड्स अगर आपको और भी सारा दिक्कत आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स सारे के सारे जो फैन के बारे में जो वीडियोस मैंने अपलोड करके रखा है वो एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स उस सारे वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स शायद जल्दी में बहुत सारा कुछ बात चला गया होगा, तो फ्रेंड्स अगर एक बार कमेंट कर दीजिएगा तो हम सब कुछ आपको धीरे धीरे बता रहे। तो फ्रेंड्स तो बिजली तो कट हो गया था इसलिए कारण हमने फिर से आ गया आपके पास। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं मैं कुछ लेकर आ गया हूँ मेरे हाथों में। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऊपर का रबर जो है ये भी मुझे लगा कि दिखा देना जरूरी है क्योंकि कोई वीडियो में मैंने इसको नहीं दिखाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है, तो ये दो टाइप का होता है, एक बड़ा वाला होता है एक छोटा वाला होता है। तो आपको एक बार आपको चेक कर लेना है आपके फैन में कौन सा है। तो फ्रेंड्स अगर उल्टा पलटा लगा दे तो सेट नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हाथ में जो है ये बड़ा वाला है, छोटा वाला मेरे हाथ में अभी नहीं है वरना मैं वो भी दिखा देता आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये होता है हमारा कैपेसिटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं देख सकते मैं बता देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2.5 MFD यानी 2.5 माइक्रोफेराड का है ये। तो फ्रेंड्स कहीं कहीं अगर फैन में आपका 2.25 होता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि 2.25 भी लगाने का। तो फ्रेंड्स अगर मिलता नहीं है तो 2.50 भी लगा सकते हो, उस में आपका जो फैन है फैन की स्पीड काफी ज्यादा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही सारे थे हमारा फैन के सारे जो हमारा प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर कहीं पे भी दिक्कत आ जाते हैं कमेंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स और जो बात हमने बोलना चाह रहा था कि कोई भी टॉपिक अगर बड़ा वाला टॉपिक मिस हो जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हो सकेंगे तो हम फिर से ये वीडियो थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको फिर से अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।